राजधानी राजधानी राजधानी। साबिक आमदार और साबिक मेयर जनाब शेख रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए जिलानी चौक पर। आज अभी जिलानी चौक से कारवा क्लब तक आज रोड बनाई जानी है। साहब यहाँ पर आप आए, ये रोड का इफ्तिताह कौन से पार्टी हुआ? ये पिछले मासिक में जब MLA थे 5 करोड़ के बहुत सारे रास्तों के लिए ये फंड लाया गया था, गवर्नमेंट का फंड है, जिसमें से जिलानी चौक से लेकर कारवा क्लब, कारवा क्लब से अंसार शामिल तक का और डेपू रोड तक का ये एक रास्ता, उसके अंदर ये है एक शिव रोड है जो मत्ती पावर हाउस से लेकर के वो कल शाम में पूरा रोड बन के ख़त्म हो गया, पूरा रोड बन गया है। इसी तरीके से पानी की टाँकी, जूनी पानी की टाँकी है, रजा रोड, अहमद रजा रोड जो है उसके अंदर ये भी एक रोड है, वो जल्दी अभी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। साथ साथ में राजा चौक से लेकर के जो हमारा स्टेडियम है वहाँ तक रोड बन चुका है। इसी तरीके से एक रोड जो है 60 फीट जो रोड है जो मिल्लत चौक से लेकर के वो डायरेक्ट बावरवाड़ी रोड तक का वो रोड होना है, जिसमें से आधा रोड हो चुका है। आधा रोड वो भी इंशाल्लाह अभी जल्दी इसके बाद उसका भी नंबर लग जाएगा। इसी तरीके से आज का रोड जो शुरू होने जा रहा है ये 5 करोड़ के फंड में का ये हार्डमिक्स रोड है और एरिया की आवाम के सामने उनके रहते हुए उनके साथ में रह करके आज का उद्घाटन किया जा रहा है। ₹10 करोड़ लाया था उसमें का रोड आज तक टिका है, आगे का रोड ये भी रोड है। क्या है लोग गेट बनाते उसके अंदर खराब कर आगे के लिए लाया हुआ जो पब्लिक को आप कहना चाहेंगे कि रोड बन रहा है इसको ज़्यादा दिन तक टिकना चाहिए, उसके लिए पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? आवाम से गुजारिश है मेरी, रास्ता बन जाने के बाद में ना तो पाइप के लिए, अरे नल के लिए ना खोदे उसको, और बहुत बहुत गुजारिश है कि डेग इसके ऊपर ना बनाए, इसके वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है और फिर वार्ड के लोग, अरे मेंबरों की बदनामी, कॉरपोरेशन की बदनामी, माजी आमदार की बदनामी, वो ना हो। और रोड बनने के बाद में जो लोग बाद में जो खोदते हैं वो ना खोदे, वही वही खोदते ही नहीं है। बहुत मेहनत कर रहा था आसिफ बाबू, बोल रहे फंड डालने के लिए रिक्शा स्टाफ के लिए जिम्मेदार लोग और तरवीर उस्मानी और उस्मानी साहब हमारे बीच में नहीं है,
अहमद उस्मानी साहब, सही मालूम है उन्होंने बहुत कोशिश की थी और आसिफ भाई ने इस रोड को उसके अंदर उनकी तहरीरों पर इस रोड को उसके अंदर रखा गया था।